2 साल पहले जब मैंने रोजेंडर टॉक्स शुरू किया था तो मैं जानता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और इतने एपिसोड्स हम लोग कर लेंगे डॉक्टर घटक के साथ। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर दीपक के साथ बात करी और ऐसे ही कई सारे वैज्ञानिकों के साथ हम लोगों ने बात करी। आज इतने समय बाद मुझे मौका मिला है एक ऐसे वैज्ञानिक से बात करने का जो सिर्फ विज्ञान ही नहीं, विज्ञान से जुड़ी पॉलिसीज के बारे में भी जानकारी भी रखते हैं, प्लस देश को उसके बारे में आगाह भी करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते भी हैं किस तरह से विज्ञान जो है वो लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट करेगा। आज जो मेरे साथ रोजेंडर टॉक्स पर हैं वो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस को लैब्स तक नहीं रखा, लोगों तक भी पहुंचाया है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजा रमन का। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अभी तो गाड़ी चल रही है। 82 इयर्स हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और चलती रहनी चाहिए सर, हम लोगों को आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता रहना चाहिए। थैंक यू जी, आप लोगों की गुड विशेस से चलती रहेगी। जी जी बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहला सवाल आपकी रिसर्च के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपकी रिसर्च के बारे में पढ़ा जाता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स से लेके न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बारे में बात होती है, बात होती है सॉलिटॉन्स की, जिसके बारे में आज तक तो मैंने तो कभी नहीं सुना, मैं आज जानूंगा उनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की भी बात होती है। तो कुछ अपने रिसर्च के बारे में हमें बताइए जो न्यूक्लियर फिजिक्स पे रहा है, और अभी मैं बात करूँगा कि आपके जो गुरु रहे हैं उनके बारे में भी। उनकी फोटो वहाँ है इनके। जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले आते ही क्या नाम है इस रूम में सबसे पहली चीज यही देखी थी कि सर के जो गुरु हैं डॉक्टर हंस बेथे, अगर मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उनकी फोटो कहाँ है, और मुझे आते ही सबसे पहले रूम में वही दिखी। आप लोगों को बीरोल शॉट्स में जो है वो दिखाई देगी। तो सर आप अपने रिसर्च के बारे में हमें जरा। हाँ, तो मेरी रिसर्च प्रोफेसर बेथे के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स में शुरू हुई, न्यूक्लियर थियोरी में। मैं थियरिस्ट हूँ, लैब्स में नहीं काम करते, हम तो खाली हाथ पेंसिल की काम होती है। तो उनके साथ, वो कॉर्नेल में काफ़ी मशहूर प्रोफेसर थे तभी, उस टाइम में उनको नोबेल प्राइज़ नहीं थी, बाद में मिला, लेकिन सब लोग जानते थे कि ही इज़ वेरी गुड। तो उनसे काम करने का मौका मिला न्यूक्लियर थियरी में, तो मैंने काम किया था। सो वो मेरी सबसे पहली फील्ड थी, लेकिन ग्रेजुअली फिजिक्स के अंदर ही वहाँ से मैं धीरे धीरे से बाकी फील्ड्स में लाइक अ वायरस स्प्रेड होते रहा, और पार्टिकल फिजिक्स में गए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में गए, वगैरह वगैरह, और सॉलिटॉन एक सॉर्ट न्यू डेवलपमेंट थी उन जमानों में, इन द मिड 70s ले मिड 80s में। तो जब वो शुरू हुई तो उसमें मैंने भी ज्वाइन किया था उस एक्टिविटी में वर्ल्ड वाइड, और चांस मिली कि मुझे उसमें फर्स्ट बुक लिख सकूँ उस सब्जेक्ट में इन द वर्ल्ड, सो लोग पढ़ सके, मुझे क्लासरूम में और लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो जब भी चांस मिले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक किताब निकली वो जो सारी दुनिया में लोग यूज़ करने लगे उसके बाद, तो उस एरिया में था। फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किया, और रिटायर होने के बाद विच इज़ करीब ऑलमोस्ट 20 साल पहले, मैंने डिसाइड किया कि पॉलिसी इश्यूज में मैं काम करूँगा। उसके पहले भी मैं कभी कभी आर्टिकल लिखता था मीडिया में पॉलिसी मैटर्स में, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ एमेच्योर आर्टिकल्स थे कि जो आइडियोलॉजिकली जो भी मुझे थॉट्स आए उसको लिख दिया। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसमें सीरियस प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में करूँगा। तो तब तो इसका मतलब हुआ कि मैं फिजिक्स कर नहीं पाया, उसके बाद टाइम नहीं थी, या तो ये करो या वो करो, सीरियसली करना है तो। वैसे पंडिटरी तो कर सकता था, बट सीरियस इन्वॉल्वमेंट जिससे उनसे एक्सपर्ट से बात हो सकी है दुनिया में और इंडिया में, वेपन्स में जो है, रिएक्टर्स में जो है, तो उनके टेक्नोलॉजी वगैरह सीखने में मुझे टाइम लगा। लाइक अ स्टूडेंट मैंने शुरू किया फिर, और धीरे धीरे से इधर उधर थोड़ा मार वार खा के, गलत वलत चीज़ें कह के सीख लिया था रिएक्टर्स के बारे में, और सो न्यूक्लियर पॉलिसीज में उसके बाद आया था। मुझे एक और इंटरेस्ट समय था, एजुकेशनल पॉलिसी में तो थी, वो तो हमारा धंधा है, तो उसमें भी काम किया थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर न्यूक्लियर पॉलिसी, उसके दो वेराइटीज़ हैं, एनर्जी के सिविलियन रिएक्टर्स वगैरह,
और वेपन विच इज द अदर साइड. सो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में भी इन चीज़ों में मैंने काम किया है. तो फिजिक्स में कुछ 40 साल हुए समझ लीजिए, और इसमें 20 साल लास्ट 20 ईयर्स. जी जी सर, सॉलिटॉन्स क्या होते हैं? सॉलिटॉन एक्चुअली स्लाइटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. कई वेव्स आप तो जानते, किसी कई तरह के वेव्स होते हैं, वाटर वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं, लाइट वेव्स होते हैं. नॉर्मली ये वेव्स बिखर जाते हैं, स्प्रेड आउट होके कई डायरेक्शंस में डिसिपेट हो जाते हैं. आपने पत्थर डाला किसी पानी में, तालाब में, तो द वेव्स गो अवे. एंड जनरली स्पीकिंग वेव्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड. इफ यू इवन इफ यू लाइट अ लैम्प हियर, द लाइट विल स्प्रेड ऑल ओवर एंड सो ऑन. बट देर आर सम स्पेशल सिचुएशंस वेयर द पल्स ऑफ द वेव सीधे विदाउट डिस्पर्सिंग, विदाउट गेटिंग ब्रोकन अप इनटू पीसेस, एक लंप जैसे जाती है. नॉर्मली वेव्स ऐसे नहीं करते हैं, वेव्स हैव अ टेंडेंसी की टू. सो एक स्लाइटली मैथमेटिकल आइडिया है, लेकिन जब रियलाइज किया लोगों ने कि कभी कभी वेव्स भी इस तरह करते हैं कि एक साथ लाइक अ बॉडी चलती है, उसको सॉलिटॉन्स कहते हैं. लूजली स्लाइटली स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन है. और इस तरह के वेव्स कई पार्ट्स ऑफ फिजिक्स में उपयोग हो रहे हैं, क्योंकि वेव्स तो हर एक एरिया में है. और पार्टिकल फिजिक्स में भी एक सोच हो रही थी कि शायद एलिमेंट्री पार्टिकल जो हों वो इस तरह के होंगे. तो इस तरह से आई थी मैथमेटिकल, स्लाइटली मैथमेटिकल, नॉट मैथमेटिकल बट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये. और कई कई एरियाज में ये दिखे भी गए हैं, सॉलिड स्टेट सिस्टम्स में देखे गए हैं, वाटर वेव में देखे गए हैं, कई जगहों में. तो किस वजह से वो ऐसे जलते हैं, क्यों डिस्पर्स नहीं होते हैं, ये चीजें उसकी थियोरी होती है एक्सप्लेन करना. और सर ये जो वेव्स हैं, ये मतलब फिजिकली क्या हम इन्हें कहीं ऐसे देख सकते हैं? एब्सोल्युटली कई बार देखे हैं लोगों ने, इवन रिवर्स में देखे. पहले बार इसको डिस्कवर किया किसी ने, किसी इंग्लिशमैन में घोड़े में जा रहा था नियर अ कैनाल, ही फाउंड की वेव आ रही है. हमें ओशन से भी वेव आती है लेकिन बिखर जाती है बाद में, बट ही फाउंड की ये वेव चल रही है, 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 ना तो टूटती है ना स्प्रेड आउट होती है. तो बाय एक्सीडेंट सॉलिटॉन हैड फॉर्म्ड देयर. तो हाँ, और बाकी सिस्टम हमेशा हम देखते रहते हैं, कई जगहों में आजकल उपयोग होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, लिक्विड में होते हैं, कई चीजों. सर एसआर चौधरी सर के साथ आपका एक कोलैबोरेशन रहा? हाँ, हाँ, मेरे पुराने बहुत पक्के तो दोस्त हैं. हाँ, उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर. भाई वो बहुत सालों पहले की चीज है, आजकल उनसे ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं. वो मूव हो गए यहाँ से इंदौर को, आई थिंक इट मीन मूव अवे फ्रॉम दिल्ली. बट हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों रफली सेम टाइम 5-6 साल के लिए हमने ओवरलैप किया, और वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्किंग रिलेशनशिप, बिकॉज हम दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के बारे में, और फैमिलीज को भी दोस्ती हुई. सो क्लोज फ्रेंड भी थे, और मेरे 2-3 साल छोटे थे, बट क्लोज फ्रेंड भी थे और कोलैबोरेटर भी थे. हम बात करते, कई लोगों से कोलैबोरेट करना मुश्किल है क्योंकि उनकी सोच एक तरफ जाती है, हमारी एक और, पर इनकी मेरी अच्छी तरह जमती थी, इसीलिए हमने कई बच्चे भी लिखे हैं. उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया, तो वो रिश्ता उसको कंटिन्यू नहीं हुआ. उसके बाद इट वॉज नेवर द सेम उसके बाद, और मैं पॉलिसी चीज़ों में चला गया. वेरी सुदन दे केप्ट डूइंग फिजिक्स. सो रिसेंट डिकेड्स में उतना वो भी चले गए, दिल्ली छोड़ के भी चले गए वो, तो उतना कॉन्टैक्ट नहीं है आजकल. बट उन जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉन्टैक्ट थे हम दोनों. सर किस टॉपिक पर आप लोगों का? पार्टिकल फिजिक्स में मैं कुछ उसमें पढ़ रहा था कि इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग के ऊपर. That's right. उन जमाने में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि स्टैनफोर्ड में एक एक्सेलरेटर में लीनियर एक्सेलरेटर, ज़्यादातर एक्सेलरेटर सर्कुलर होते हैं, ये लीनियर एक्सेलरेटर दुनिया में प्रॉब्ली द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फ्यू. तो उसमें इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करके टारगेट के ऊपर फेंकते हैं, टारगेट विल बी प्रोटॉन और समथिंग, और वो प्रोटॉन टूट के उसमें से चीज़ें आती हैं. उस फिनोमिनन को उससे पता चलता है कि प्रोटॉन के अंदर क्या है, उसी से पता चला कि प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स हैं वगैरह वगैरह. तो उस एक्सपेरिमेंट में कई तरह के डेटा निकलते हैं और उनको एनालाइज करते थे हम लोग. तो वहाँ पर एक रिसर्च चल रहा था, फिर उसके बाद अपने सर के साथ एक कोलैबोरेट हम कहेंगे कोलैबोरेशन टाइप से किया. देन उसके बाद चीज़ आती है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द साइंटिफिक रिसर्च, फिर आप न्यूक्लियर
पावर की तरफ आए कि एक जो पुराना आपका एक रिसर्च था उसको दोबारा से आपने कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बारे में आपने जो है वो चर्चा शुरू करी। तो एक समय पर जब इंडिया जो है वो बना रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, पूरा पूरा वर्ल्ड ही कर रहा था, जब इंडिया भी कर रहा था तो कहीं पर मेरे प्रोफेसर भी उसके बीच में थे। सी वो ही वाज अ वेरी सीरियस प्लेयर, हेड ऑफ, ही वाज हेड ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट थियरी ग्रुप। ओपेनहाइमर उसके टोटल हेड थे, सुना होगा अपना ओपेनहाइमर का, एंड द थियरी सब ग्रुप ऑफ दैट जिसमें फाइनमैन वगैरह कई लोग थे, बेथोवन वाज द हेड ऑफ थियरी। तो तब से मैंने, मेरा काम और उनके साथ जो होता था उसमें कोई संबंध नहीं थी, उनके मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताते, लेकिन तब से मुझे इंटरेस्ट थी डिसआर्ममेंट में क्योंकि उन्होंने डिसआर्ममेंट में भी काम किया है, तो तब से थोड़ा इंटरेस्ट था, बट एमेच्योर इंटरेस्ट थी वो। कि जब इंडिया फॉर इंस्टेंस बनाने वाली थी और रूमर्स हो रहे थे कि बनेगी अभी वगैरह, अर्ली 70s वगैरह में, पोखरान के पहले, तो मैं बेसिकली अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, उसके बारे में काफी काम करता हूँ। और उसके बारे में सर मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि पोखरान का जो आपने जिक्र किया, वहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी जब वाजपेयी जी के समय पे ये चीज हुई थी, उस समय इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर बना, पर उससे पहले जब ये बातें चलती थी तो आप उसको क्रिटिसाइज करते थे कि आप उसके अगेंस्ट खड़े डेफिनेटली। तो एक आपकी सोच जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी को तो समझ आती है कि क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट लाइक, वो चीजें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है इंसानों के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई भी वेपन अच्छी नहीं है, लेकिन ये खासकर खतरनाक है, खतरनाक है। तो उस वेपन के बारे में जब आप बोलते हैं तब आपको सिर्फ अपने कॉलीग्स के साथ नहीं रहना, मतलब आप अपने कॉलीग्स के साथ, आपके फेलो जो साइंटिस्ट है सिर्फ वही बात नहीं करते, फिर एक चीज आ जाती है मीडिया, क्योंकि क्योंकि मीडिया एंड पब्लिक एंड आल्सो मिलिट्री। द लास्ट 20 ईयर्स में मैंने कई लेक्चर्स दिए हैं टू ऑडियंस ऑफ मिलिट्री पीपल, डिप्लोमेट्स, एम्बेसी पीपल, कई तरह के, धीरे धीरे से जब मैं इस्टेब्लिश हुआ इस फील्ड में, तो हाँ आप मीडिया ऑफ कोर्स, और जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी आपको शायद याद होगा 2005 टू 2008 में, इंडिया एंड यूएस हैड हैवी नेगोशिएशंस, बहुत सालों के लिए बातचीत हुई, 3 सालों के लिए, और काफ़ी मारामारी बातचीत, एंड गवर्नमेंट इंडिया में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट चल रही थी तब, एंड द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फेल बिकॉज ऑफ देश, हमारे देश के अंदर ही डिसएग्रीमेंट थी, लेफ्ट के लोग नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका के साथ डील करें, और इस डील की वजह से हमारे ऊपर जो सैंक्शंस थे वो हट गए, इसलिए मनमोहन सिंह जी वाज वेरी कीन टू डू द डील। तो उस टाइम पर मैं काफ़ी इन्वॉल्व था, उसके बारे में कई बार पेपर में लिखता था कि डील में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या खतरा नहीं। उस टाइम पे मीडिया के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, उसके पहले मीडिया पर हमें कुछ दिख, हम तो वो सॉलिड करते थे, कोई कॉमन चीज़ नहीं थी। उसके बाद हुआ क्योंकि मीडिया वॉज वेरी इंटरेस्टेड, तो पॉलिटिकल साइड हो गई नहीं, तो सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे मेरी काफ़ी इंटरेक्शन होने लगी, और उस टाइम पे कई लोग समझना चाहते थे कि भाई ये न्यूक्लियर क्या चीज़ है, यू नो प्लूटोनियम क्या है, यूरेनियम क्या है, क्या क्या डेंजर से क्या नहीं है, उसके बारे में उनको बताने के लिए कोई मिला नहीं। कई लोग जानते हैं लेकिन जो जानते हैं वो बोल नहीं सकते थे, जो बोलते हैं उनको पता नहीं था, तो DAE की वगैरह नॉर्मली बात नहीं करते बाहर के लोगों से, उनकी अपनी वो होती है। सिमिलरली सरकार में रिस्ट्रिक्शंस होता, वो भी नहीं बात कर सकते, तो बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था। डिसआर्ममेंट के बारे में सब जानते थे, डिप्लोमेसी के बारे में, UN भाषण सब करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी चीज़ क्या है उसके बारे में पता नहीं था, तो मुझे खुद नहीं पता था क्योंकि मेरी फील्ड वो नहीं थी, मेरी फील्ड वो सॉलिटन। तो मैंने थोड़ा पढ़ वढ़ के उनको समझाने की शुरू किया, उससे मीडिया इंटरेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई कि भाई सर ये क्या चीज़ है, सर क्यों इसके बारे में लोग चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, किस तरह के डैमेज होगी, बॉम्ब गिर गया तो क्या होगा क्या नहीं, ये सब चीज़ें बातचीत करने लगे उनके साथ, खुद ही मैं सीख रहा था और उनको बता भी रहा था। तो उस तरह से मीडिया, आप कुछ कह रहे थे मैंने इंटरप्ट कर दिया, तो उस तरह से मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा कम हो गया, अब वो चीज़ें ठंडी हो गई हैं, अब उतना इंटरेस्ट नहीं है उस पर, बट उस एक ज़माने में फ्रॉम 2001st decade ऑफ दिस मिलेनियम काफ़ी इंटरेक्शन हुआ करता था जी।
सर अब चलते हैं, जब ये न्यूक्लियर पावर की बात जब चली है तो चलते हैं आपके गुरुजी की तरफ भी और प्रोफेसर हांस मेथे के पास चलते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है न्यूक्लियर पावर में, और एटॉमिक बम जब बनाया जा रहा था तब वो भी कोर कमेटी के मेंबर थे। तो ये जो डिसआर्ममेंट का आपने अभी बताया कि वहीं से एक चीज जो है वो आपके दिल में भी आई, और कि ये चीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में लोगों को जो है वो आगाह करना चाहिए, क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है, right. क्या चीज पावर देगी क्या चीज डिस्ट्रक्शन करेगी। हाँ, इंडियन लोग को काफी अलग रखना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर एक चीज है और न्यूक्लियर वेपन दूसरी चीज है, और कंसर्न और ऑब्जेक्शन अलग अलग होते हैं इनके। न्यूक्लियर एनर्जी में फायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और उसमें खतरा तो है, फुकुशिमा में हुई थी एक्सप्लोजन, खतरा है, लेकिन खतरा बहुत बहुत छोटा खतरा है कंपेयर टू क्या होगा अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के सिर में गिर गए। आप हिरोशिमा नागासाकी की बात हुआ नहीं है, लेकिन समझ लिए हो गया, वो इतनी बड़ी चीज होगी कि ये फुकुशिमा वगैरह कुछ नहीं होगा कंपेयर टू दैट। तो इन दोनों को अलग रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक माइंड में काफी ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। मेरे ख्याल से सर आज के टाइम पे वो ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, तो रेडिएशन क्योंकि सिर्फ एक ही जगह नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के रेडिएशन तो स्प्रेड करती है, रेडिएशन स्प्रेड। हाँ, ग्लोबलाइजेशन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिनोमेनन, रेडिएशन तो अपनी उसकी लॉज ऑफ फिजिक्स में वो स्प्रेड करती है। मतलब मैं मतलब ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो लोग रेडिएशन से इन्फेक्टेड है उनसे भी लोग जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये चीजें मैं सब नहीं, रेडियो अगर अनलाइक कोरोना वगैरह में आप इन्फेक्टेड तो आपसे मुझे आ सकती है, रेडिएशन में ऐसा नहीं है। नहीं। अगर डायरेक्टली रेडिएशन आपके ऊपर आए तो आपको वेरियस काइंड ऑफ इलनेसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन जो आपके ऊपर गिरी। लेकिन अगर समझ लीजिए मैं रेडिएशन से अफेक्टेड हूँ, मेरे से रेडिएशन नहीं निकलती, तो आप मेरे पास भी कुछ नहीं होगा। कई तरह इस तरह की गलत फहमियां होती है रेडिएशन पर, नॉर्मल है। हाँ, ये गलत फहमी मेरे अंदर तब से आई जब मैंने चेर्नोबिल नाम की एक सीरीज देखी। हाँ हाँ, HBO Max। हाँ, एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड सीरीज। हाँ, तो उसमें भी कहीं ऐसा नहीं होगा कि रेडिएशन होने की वजह से, एक चीज है अगर बड़ी भारी रेडिएशन हो और आपके कपड़े वगैरह में हो और कोई उसके पास आया उस टाइम पे, तो हाँ ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन आपने रेडिएशन लिया, आपको कोई बीमारी हो गई वगैरह, वो रेडिएशन आपसे नहीं निकलती। ये हुआ था कि चेर्नोबिल में जब लोग, कई लोग वहां मर गए थे जिनको रशियंस ने अंदर भेजा था जान के कि ये लोग वापस नहीं आ सकते, वो गए थे और उनको जब बेरी करना था उनके कॉप्स में से रेडिएशन आ रही थी, क्योंकि कपड़े वपड़े सब चीजें, तो रेडिएशन जिस चीज पे लगती है उसको भी वो रेडियो एक्टिव बना देती है टू सम एक्सटेंट। तो आप जो कह रहे हैं ठीक है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन समझ लीजिए 10 साल पहले आपके ऊपर कुछ रेडिएशन आई उसकी वजह से आज कैंसर हो रहा है, वो रेडिएशन चली गई, आपके अंदर है, बाहर नहीं निकल रही। तो दो तरह की चीजें हैं, अलग अलग। ये तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो हम लोगों का चलता है वो आपने बहुत आसानी से क्लियर कर दिया, क्योंकि इससे पहले मैं भी सोचता था कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो कोरोना की तरह क्या पता उसमें से भी रेडिएशन निकले। तो बहुत ज्यादा हो तो है, उसमें गलत नहीं था वो, जैसे वो रिएक्टर के अंदर गए थे वो बेचारे लोग रशिया में, तब तो इतनी भारी रेडिएशन थी कि उनके कपड़े रेडियो एक्टिव हो गए, उनके दांत रेडियो एक्टिव हो गए। लेकिन अब 100 miles फर्दर होते तो आपको रेडियो एक्टिव वेव आके आपको बीमारी दे सकती है, लेकिन आप खुद ही रेडियो एक्टिव नहीं बनते, उतना नहीं है उसमें ताकत। सो हाँ, सॉरी। तो सर हांस मेथे सर के साथ आपने कार्य किया और वो उस समय वहाँ पर जो है वो वेपन टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन्स को मतलब एक डी उसे कह सकते हैं कि एक एक वर्ड भूल गया, एक चीज उन्होंने साइन करवाई कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो इसको अच्छे से यूज करना चाहिए, मतलब कि आगे चल के इसको वेपन्स की तरह यूज नहीं करा जाना चाहिए। ये मेथे सर ने इस पर भी जोर दिया था। हाँ। और उसके बाद जो है मतलब वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने के फेवर में नहीं थे। तो ये पता नहीं आपने कहा
गूगल पर पढ़ा है सर मैंने, हाँ, तो हाँ, तो मैं समझ गया, मेरे हो सकता है कि गलत भी हो, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली उनके साथ जी, 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 5 साल बातचीत की है उसके बारे में। नहीं, वो हमेशा, वो भी जर्मन जू थे ना, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर टू में वो लोग आए थे। न्यूक्लियर वेपन की मोटिवेशन अमेरिका में यही थी कि जो लोग हिटलर से डर के अमेरिका आए थे वो हिटलर को रोकना चाहते थे, और ये डर भी था कि हिटलर खुद ही बॉम्ब बनाने वाला है, क्योंकि उनके पास साइंटिस्ट तो बहुत अच्छे थे जो बाहर नहीं निकले, जो अंदर थे तब भी। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन थी कि एक बॉम्ब बनानी चाहिए, नहीं तो हिटलर को रोक नहीं सकेंगे शायद। तो उस टाइम पे ऑल जो जो अमेरिकन ज्यूइश साइंटिस्ट थे, और टॉप नॉट साइंटिस्ट मोस्टली ज्यूइश होते थे, और बेथे भी हाफ ज्यूइश हैं, तो वो सब प्रोजेक्ट में एंथुजियास्टिकली काम करने लगे। So Bethe was always in favor of, he was not a pacifist. You know, he was not like that. He was not for ek thappad yaha mara to dusra gala dikhao. He was not that type. He was very much a person, realistic, down to earth person. To weapon banana hai to banao. But jab hydrogen bomb banana tha, us time pe he didn't want to do that. Wo badi bomb hai. He didn't want to do that. And Teller strongly wanted to do that. Bethe said ये बनाना नहीं चाहिए, but when the government really said लेकिन बनाना ही चाहिए, अगर आपकी मदद चाहिए, आप ही एक्सपर्ट हो, he agreed at the request of the US government. तो उस तरह के, मतलब he was not against it, but he was cautious, he was always, you know, very controlled in all his views. Excessively इस direction ना उस direction में जाते थे. Person who was against, I think, is the man whose prize I got, the Leo Szilard लिखा है ना वहाँ American Physical Society के नीचे, the man Leo Szilard, he was the man who was against nuclear weapons being developed in a big way. Unke naam pe ek prize hai, mujhe mili thi in cheezon ke bare mein. But he was the one who went to Truman and said, dekho, demonstration kar do kahin kone mein, you don't have to bomb the Japanese. Kisi island mein jaake demonstrate kar do, hamare paas ye taakat hai, logon ko maarne ka. But the government would not listen. So he was a pioneer in that. Bad things happened to him because of that. Usko log communist kehne lage, kehne lage, wo kehne lage. But Bethe was much more middle of the road. Ek Teller the wahan US mein, who was called the father of the H-bomb. He was much more of a right-wing, excessively hawkish. Bethe was not excessively pacific, but beech mein the. Realistic, in all matters, he was in the middle. A solid middle ke aadmi the wo. So, उनकी एटीट्यूड अबाउट द वेपन वॉज नॉट वन ऑफ इन प्रिंसिपल के नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़े करें, ही फीलिंग जजमेंट वेरीड ऑन किसकी जरूरत के किसकी जरूरत नहीं है। एंड अबाउट द स्प्रेड, ऑफकोर्स दे वर ऑल वरीड, बट द अमेरिकन्स हैड नो राइट टू वरी, उन्होंने शुरू किया ये, अब बाकी लोगों को कैसे कह सकते तुम मत करो। और रशिया ने शुरू कर दिया, इन दोनों की कॉम्पिटिशन होने लगी, और इन दोनों ने वेपन्स को प्रेस्टीज इश्यू बना दिया कि किस दोनली पीपल हु आर द वेपन्स इज रशियंस एंड अमेरिकन्स। उसके बाद ये जो P5 है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं, रशिया, अमेरिका, UK, फ्रांस एंड चाइना, इन 5 ने बना दिया बॉम्ब्स, और फिर कहने लगे कि और किसी को नहीं बनाना चाहिए। सो क्लब बन गई और प्रेस्टीज इश्यू हो गई, और हमारे देश में जो बॉम्ब उठी थी, पीपल वेर मोस्टली हैप्पी कि प्रेस्टीज हम भी देखो बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बुरी चीज है इसको नहीं बनाना चाहिए। सो प्रेस्टीज इश्यू इन्होंने ही बनवाया था, अमेरिकन रशियन से मिलकर एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में, एंड बिकॉज वो पोलिटिकली पावरफुल थे, इकोनॉमिकली पावरफुल थे, और बॉम्ब भी बनाते थे, तो बॉम्ब बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ शो ऑफ पावर। सर एक कहानी जो है वो मैंने सुनी है, आप ही के शब्दों में सुनी है, आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि PhD के बाद जब आप वापस भारत आए, तब आपने देखा कि क्या कुछ चीजें जो है वो भारत में हो रही हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन मैन फेस कर रहे हैं, क्या कुछ जरूरतें जो है वो भारत के लोगों की हैं, तो आपका एक ध्यान थोड़ा भटका कि इस तरफ किसी इंटरव्यू में कहा था क्या ये? हाँ अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, यूरेका एक प्रोग्राम आता था, उसमें डॉक्टर गौहर रजा के, उन्होंने पूछा था, अच्छा अच्छा, कि आप वापस आए और फिर आपने उन चीजों को देखा, आपने कहा कि फिजिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, कि मतलब फिजिक्स से ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे, तो आपने अपने गाइड को फिर लिखा कि ये सब चीजें हैं, तो क्या मुझे
इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फिजिक्स में ध्यान देना चाहिए, तो उस समय के रिएक्शंस जो है वो आपको पॉलिटिकल साइड से भी आपको रिएक्शंस मिले थे? मतलब जो पॉलिटिकल नहीं कहूंगा मैं, जो लोग सोशल वर्क करते थे, सोशल वर्कर्स से आपको कई तरह के लोगों से बात की थी? कई तरह के सोशल पॉलिटिकल, राजगोपाल आचार्य गवर्नर जनरल थे ना रिटायर होके, देन उनको नई पॉलिटिक्स से काफी नफरत होने लगी, बिकॉज वो पॉलिटिक्स तभी डेवलप होके बैड डायरेक्शन में जा रहा था 60s वगैरह में। तो मैं सोच रहा था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, बिकॉज वहीं से तो कुछ फर्क कर सकते हैं। और कई लोग थे, राजमोहन गांधी, वे गांधी जी के ग्रैंडसन हैं, वो भी कोई सोशल एनजीओ बन रहे थे, नाम एनजीओ हैड स्टार्टेड, उस तरह के कई बन रहे थे। तो मैंने सोचा इन चीज़ों को ज्वाइन करूं, बट कई लोगों ने मेरे से कहा नहीं 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 भाई, उस वो तो बहुत लोग कर सकते हैं, ये खाली साइंस आप ही कर सकते हो, ये सब ठीक नहीं है, एक्चुअली ये भी बहुत लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने परसोच किया नहीं नहीं तुम्हारे पास ये टैलेंट है, इसको वेस्ट मत करो, यहाँ रहोगे तो दुखी हो जाओगे, चले जाओ। कई लोगों ने कहा, राजा जी हूँ मैं ग्रेटली रिस्पेक्ट, उन्होंने एट दैट एज उन्होंने मुझे इंटरव्यू टाइम भी दिया, मैं जाके बात किया उनसे, वो थोड़ा डिसइंचार्टेड थे उस दैट टाइम पर पंडित जी से, एंड साउथ में चले गए। तो कई लोगों ने मेरे से उस टाइम कहा कि नहीं 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 आप तो भाभा से बात हुई की थी कि यू मस्ट स्टे इन फिजिक्स। तब मुझे फीलिंग आया कि मैं यहाँ रहूँ तो नहीं करूँगा, आधा टाइम इधर जाऊँगा, आधा टाइम उधर जाऊँगा, हमेशा हर एक डायरेक्शन में पुल आएगी। तो फिर मैंने चिट्ठी को लिखा बेटा कि भाई मेरे से या तो ये करो या वो करो, अगर फिजिक्स कर रहा था मैं वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे वहाँ नौकरी दे दी, मैं चला गया। दिस व्हाट हैपेंड। उन्होंने आपको वापस बुलाया, वापस बुला के आपका कुछ मतलब उन्होंने ऐसा एक सेशन रखा कि ये बात करी कि आपके डाउट्स जो थे आपके दिमाग में चल रहे थे उनको क्लियर करने की? नहीं, वो उस तरह के नहीं थे, वो बहुत जर्मैनिक आदमी थे, पर्सनल बातें उनसे कभी करता ही नहीं था मैं। जैसे हमारे देश में अपने सुपरवाइजर फादर फिगर जैसे हैं, आपका शादी भी करवा देते हैं हिंदुस्तान में, तो है ना उतनी अच्छी रिलेशन, वहाँ वैसा नहीं है, काफ़ी फॉर्मल है। और वो जर्मन थे और बहुत ही फॉर्मल थे, तो पर्सनल चीज़ें हम उनको बताते नहीं थे ना वो पूछते थे। अच्छा, आपने कभी उनको उनके नाम से नहीं बुलाया? नहीं, अमेरिकन करते थे, मेरे से नहीं होता था, क्योंकि आपने लिखा भी एक जगह कि वो आपको बोलते रहते थे कि हाँ हाँ हाँ, बट मेरे से होता नहीं, तो हमारी इंडियन हो ना कल्चर है, वो तो होता नहीं था। अमेरिकन वो तो करते थे, ही डिडंट माइंड इट, ही लेट देम डू इट, लेकिन मेरे से नहीं होता था। एंड माय सीक्रेट फीलिंग इज दैट ही अप्रिशिएटेड, तो वो भी ओल्ड कल्चर के ना जर्मैनिक थे। लेकिन मन की बात वगैरह उनसे बात नहीं हो सकती, वो एम्बेरस हो जाए। मैंने कोशिश किया, मुझे पता भी था इनके साथ, और वो तो इंडिया की बातें क्या समझ सकते, वो तो इंडियन ही समझ सकते ना, तो बट मैंने उनको जनरली पता था कि हम चीज़ें मुश्किल हैं यहाँ, और पता था कि अगर मैं वापस आना चाहता हूँ तो आ जाओ। तो सर ये तो थी बेथे सर की बात है, बट एक व्यक्ति और हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा करीबी थे अमेरिका में जब आप थे उस समय, उनके साथ आपका मतलब एक बहुत ही अच्छा एक व्यवहार जो है वो कह सकते हैं कि व्यवहार था उस समय, तो डायसन सर के बारे में। हाँ, डायसन फाइनमैन दोनों के साथ था, लेकिन डायसन के साथ ज्यादा था, फाइन बहुत कम थी। हाँ, डायसन वॉज अ वेरी फाइन पर्सन, बहुत ही अच्छे आदमी थे दिल में भी, और वो थोड़ा ज्यादा ह्यूमन थे बेथक। बेथक तो यू नो वेरी स्ट्रेट, ये इंग्लिश में थे ना, थोड़ा हमारे बीच में थे ना अमेरिकन और जर्मन और, हाँ उनसे काफ़ी, क्योंकि 4 साल मैंने प्रिंसटन इंस्टीट्यूट में बिताया था, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी है वहाँ, वहाँ डायसन परमानेंटली थे, और मैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर 2-3 बार गया हूँ उनसे, तब से रिश्ता खोला। एंड वो इंग्लिशमैन और इंडियंस में तो हमेशा थोड़ी वो रपोर होती है, जैसे हम लोग बुक रीडिंग करते थे रात को बैठ के, बुक्स इंग्लिश लिटरेचर के, कितना शेक्सपियर पढ़ा, कुछ पढ़ा, 4-5 लोग मिलके आपने ये रोल किया, आपने वो रोल किया, कई चीज़ें हम लोग एक साथ करते थे, और दोस्ती बन गई थी उनके उनके फैमिली सबके साथ। हाँ, एंड ही वॉज अगेन डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट, ही वॉज बेथक स्टूडेंट थे एक्चुअली एट वन टाइम, लेकिन वो स्टूडेंट करते करते उनको प्रिंसटन ने प्रोफेसरशिप दे दी, चले गए, PhD लिया ही नहीं आज तक डायसन ने, टिल देन उनके रिज्यूम में BA लिखा रहता, BA लगा, FJ डायसन BA, बस बस BA, और उनके रिज्यूम में ये चीज लिखी रहती थी। बट वो अच्छा सर, एक चीज और कि डायसन सर के बारे में जब हम बात करते हैं
तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, जो हम लोगों की जनरेशन है, जो हमसे छोटे हमारे जो भाई बहन हैं, वो लोग जब भी डाइसन सर की बात करते हैं, डाइसन स्फीयर की बातें होती हैं और भी बहुत सारी चीजों की बातें होती हैं, तो मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड जो है वो हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है जब डाइसन सर का नाम लेते हैं। और जब हम फिर ये चीज भी देखते हैं कि डाइसन सर की पीएचडी नहीं थी, वो अपने आगे बीए लगाते थे और वो बहुत प्राउड थे उस चीज पे कि उन्होंने एक बीए की डिग्री करी है, और पीएचडी जो है वो प्राउड थे नहीं कि बीए करी उसके लिए प्राउड है, पीएचडी नहीं किया, पीएचडी नहीं किया उसका प्राउड है। एंड द बेस्ट वे टू शो इट, यू कांट नाम के बाद पीएचडी नहीं किया नहीं लिख सकते ना, बीए लिख दो समझ जा जाएंगे लोग। ये बहुत ही ज्यादा वो था कि मतलब साइंस के लिए काम किया उन्होंने, पीएचडी नहीं ली और पीएचडी स्टूडेंट भी नहीं लिया, कभी पीएचडी स्टूडेंट भी नहीं लिया, उनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं थी कि थीसिस करो ये करो वो करो, वो थोड़ा अजीब आदमी थे मतलब इन ज़ोन वे, बट इंटेलेक्चुअली वेरी वेरी रिगरस केयरफुल एंड आसानी से कुछ कहते नहीं थे, उनके साथ बात करना ही मुश्किल था। 4 साल में हर एक दिन लंच के लिए जाते थे, वो सोच साच के बात करते थे, हम तो इंडियन एजे के बड़े बात निकल जाती है तो मैं 10 चीज कहा कुछ भी नहीं कहेंगे, वो धीरे से अपना काट के मुंह में रख के चुबा के फिर जवाब देंगे। मीन मैं तो वेट कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ भाई, इंडियन स्टैंडर्ड। हमारी क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होती है, हम बोलते भी ज्यादा है ना फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा। हाँ वो लोग बहुत बहुत कम, वो तो इंग्लिशमैन वैसे ही कंजर्वेटिव होते, वो और भी थे वेरी शाई पर्सन थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। एंड सर आपको लगता है कि उन्हें नोबेल मिलना चाहिए था या फिर उन्हें नहीं मिला, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? वेल मेरे विचार वही है जो सारी दुनिया भी सोचती है। हाँ इसी, कई लोग ऐसे हैं जो थियरिस्ट के थियरिस्ट होते हैं, पंडित के पंडित सम सेंस। सो कई लोग ऐसे हैं उनको नोबेल प्राइज शायद मिलेगा, नहीं मिला उनको। आजकल एक है एड विटन, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, द ग्रेटेस्ट फिजिक्स थिंकर नाउडेज, लास्ट 15 साल में से प्रिंसटन में, वो भी प्रिंसटन में है। वो सब मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी उन्होंने शुरू की थी, कई चीज़ें उन्होंने शुरू की थी, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि नोबेल प्राइज उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने जिसके काम में एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंस कुछ, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया हो तब भी नोबेल प्राइज, नोबेल की उसके विल में लिखा था कि उसकी कुछ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंस कुछ होना चाहिए। ऑफकोर्स डाइसन के काम में तो था बिकॉज, बट 4 लोगों को नहीं दे सकते थे, 3 को दे दिया था, 3 मैक्सिमम, वैसे पता नहीं उनकी रूल है। और वो जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो शुरू की थी, ये फाइनमैन श्विंगर और तोमनागा, 3 लोगों को दिया गया, चौथे के लिए जगह नहीं था। सब जानते थे कि डाइसन ने आपस में इन दोनों की थियोरीज को इंटीग्रेट किया था डाइसन ने, लेकिन थियोरी बनाई थी उन लोगों ने। तो डाइसन इंटेलेक्चुअल थे, वो सब चीज़ों को समझते थे, साफ करते थे वगैरह, सब उनको रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनकी न्यू कोई डिस्कवरी जैसे नहीं थी। तो नोबेल प्राइज, इसलिए मैं नोबेल प्राइज में उतना वो रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि कई लोग टॉप क्लास लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिली और ना मिलेगी भी, क्योंकि वो एक ट्रिक नहीं निकालते ना कोई डिस्कवरी, कि मैंने डिस्कवरी क्यों ऐसे जाती है, ऐसा नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं, डाइसन इज द लीडिंग एक्सपर्ट, आजकल भी बहुत लोग उस तरह के हैं। आपको डूओक क्यों बुलाते थे? डीओ कॉलेज में निकनेम थी, वो लग गई बस कॉलेज में, सेंट स्टीवंस कॉलेज में जाता ना, वहां तो हर एक नाम लगा देते। आपकी मेल आईडी में जब मैंने देखा, हाँ वो फिर मेल आईडी में काम आ गई, वहां से 50 साल से चल रही। आजकल मुझे कोई उस नेम से बुलाता नहीं है, हाँ खतरा जब हुआ, जब मेरी माता जी मुझे बुलाने लगी, फिर मैंने कहा बस ये इसको बंद करना चाहिए। तब से मैंने किसी, ये नाम आया कहाँ से? नहीं कॉलेज ने दिया, नहीं कॉलेज में दोस्तों ने दिया, तो उसकी कोई लंबी लंबी कोई कहानी है। बट सेंट स्टीवंस कॉलेज में, वो मिशन कॉलेज है ना, वो कई लोग एक दूसरे को इस तरह का नाम देते हैं। जी, लेकिन जब विलायत में गया था वो कन्वीनियंट हो गई, बिकॉज लोगों को पकड़ थी ना उसमें, समझ गए थे। लेकिन वापस आके मैं कभी लगाता नहीं हूँ, लेकिन वो लगाते रहते हैं, कभी कभी मुझे चेक आ जाती है, उस नाम लग जाते हैं, बैंक में कैश नहीं करते। तो पहले पहले, आजकल कोई नहीं करता विलायत में भी, मैं ये मत करो, लेकिन बीच में होता था इस तरह का प्रॉब्लम। जी
सर अभी फाइनमैन सर के बारे में बात हुई, तो फाइनमैन सर के साथ भी आपने, मतलब वो आपके टीचर रहे हैं? आप टीचर नहीं थे, इन मेनी वेज मेरे गुरु थे, इन द सेंस कि जैसे एकलव्य का गुरु थे ना, मतलब जिनको मिले ही नहीं कभी, लेकिन दूर से वो उनकी छाया देख के, फाइनमैन उनके साथ मैंने कभी ओवरलैप नहीं किया कहीं इधर उधर एक दो दिन के लिए, कभी क्लासेस वगैरह उनके नहीं, नहीं नहीं उनके मुझसे ना क्लासेस लिया ना, हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन में कभी थे भी नहीं। जब मैं कॉर्नेल गया फाइनमैन तभी छोड़ के, वो भी बेटे के स्टूडेंट जैसे थे, एक्चुअली स्टूडेंट नहीं थे, पोस्ट डॉक थे, लेकिन उनके साथ काम करके वो तभी कैलटेक गए थे एक दो साल पहले जब मैं पहुंचा कॉर्नेल, तो उनके बारे में सुना बहुत था, और वो बहुत ही मजेदार आदमी थे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो हम लोग उनको देख के मुंह खोल के बैठे। उनके बारे में एक किस्सा डॉक्टर दीपक धर ने मेरे को बताया था कि उनके साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ था तो क्या हुआ था, क्योंकि वो कैलटेक में सर ने अपनी वो करी थी पीएचडी, ये हमारे टीएफआई के दीपक धर के पास, हां वेरी फाइन पर्सन, हां तो तब उन्होंने मुझे एक बड़ा बढ़िया किस्सा सुनाया था फाइनमैन सर के बारे में, वो भी बहुत मजा आया था सुन के। तो हम लोगों की ओवरलैप नहीं थी, लेकिन बाद में रिसर्च में इधर उधर मिले थे, लेकिन ज़्यादा कांटेक्ट फाइनमैन के साथ नहीं थी मेरा, ग्रेट एडमायरर उनसे उनका, बट जी सर एक बार आपने कहा था कि नोबेल प्राइज की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बार आपने ये चीज कही थी कि सेम गौहर सर के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, कि उसमें ये चीज कही थी कि जब नोबेल प्राइज की बात आती है भारत में, जब नोबेल प्राइज मिला तो रामन सर को मिला, सर सीवी रामन को मिला, आपने एक चीज कही कि भारत में थ्योरेटिकल जो नॉलेज है बहुत ज्यादा है, पर रामन वॉज डिफरेंट, सो उस चीज के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ उनका भी, रामन सर के बारे में मैंने बहुत, मतलब ये नहीं कहूंगा बहुत पढ़ लिया, पर बहुत थोड़ी सी चीजें जो है वो मैं उनके बारे में जानता हूँ, बाकी साइंटिस्ट जो बाकी वैज्ञानिक हैं, चाहे वो बोस हो, चाहे वो एसएन बोस हो, मेघनाथ साहा हो, साहा सर हो, सब इनके बारे में बहुत कम जानता हूँ, पर उन सबसे ज्यादा मैं रामन सर के बारे में जानता हूँ, तो आपके जो विचार है। हाँ मैं रामन को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मेरी उतनी नहीं हुई थी, देखो आपका गिर या तो मेरा या आपका गिरा है, मेरा है सर, लगा लेना भाई उसको, वाह वो वेरी अनयूजुअल थे, उनको क्यूरियोसिटी थी कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, हमारे देश में हमारी नेचुरल टेंडेंसी, हमारी वो ट्रेडिशन ऐसे है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, विचार शास्त्रों से उसके उसके बाहर की दुनिया पे अपना ध्यान नहीं देते हम लोग नॉर्मली, हमारे इंटेलेक्चुअल से होते हैं, तो इसी वजह से हम थियोरी के लोग बनाते रहते थे लेकिन काम की चीज नहीं करते थे काम की चीज जो मैकेनिक्स है ना सड़क में वो करते हैं, वो है रियल हमारे टेक्निकल साइंटिस्ट वगैरह। आजकल तो बदल गया, आजकल लास्ट 20-30 ईयर्स कई लोग आ गए हैं विलायत में, उस एटीट्यूड को लेके यहाँ आए हैं और करते हैं, उन जमाने में बहुत काम थे, इसीलिए पीपल लाइक एसएन बोस, मेघनाथ साहा वगैरह हमारे, एंड रामन वॉज अनयूजुअल, रामन के बाद भी उस तरह के बहुत कम थे कई सालों के लिए, अभी द लास्ट 10-20 ईयर्स लोग आए हैं वो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंटर्स हैं, टेलीस्कोप लेके स्पेक्ट्रोस्कोप लेके घूमते, हाँ हाँ घूमते थे, और हर एक चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी, रामन के सन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, उनके फादर जैसे थे वो, और वो मुझे उनसे मुझे फीलिंग आई कैसे रामन की साइकोलॉजी, जो भी चीज़ देखो ये क्यों ऐसा है, ये क्यों क्यों उसमें नाक लगा रहे हो तुम, नहीं हर एक चीज में जाके कुत्ता सो रहा क्यों सो रहा, वो काट देंगे कभी कभी, ही यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग रामन, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, मोस्ट हमारे डीप थिंकर्स उस तरह नहीं थे, हाँ आजकल कास्ट के बात करने से लोग गुस्सा हो जाते हैं, मुझे ये सब ब्राह्मणिक थे वो बहुत, हमारे थिंकर्स या ब्राह्मण हो या ना हो एटीट्यूड उनकी ब्राह्मणिक थी, इंटेलेक्चुअल यू नो दुनिया की चीजों से, उस तरह का साइंस उस तरह नहीं होता, बेसिकली एक तरीके से साधु संत योगी टाइप, हाँ हाँ वही हमारी ट्रेडिशन हुई दुनिया जमाने से, हाँ माउंटेन के ऊपर जाके बैठ गए और सोच लगाया और उसमें से नॉलेज मिली आपको, तो रामन वॉज अनयूजुअल थे इस तरह के, और वेर चंद्रशेखर वो भी वो थियोरी के थे, हाँ वो सब एक टाइप के इंडिया में, चंद्रशेखर बोस वगैरह, रामन कोई स्पेशल थे स्पेशली उन जमाने में, जी जी जी, तो
सर इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी हैं, पुराने हम आपके जो गुरु हैं हैंस पेथे सर के बारे में बात करी, फाइनमन सर के बारे में बात करी, डाइसन सर के बारे में बात करी, अभी रामन सर के बारे में बात करी, बेथे सर को छोड़ के बाकी सबका नाम एन से खत्म हो रहा है काफी राइमिंग है हाँ दैट्स राइट क्या यार दैट्स राइट आई शुड टेल फाइनमन तो पे तुम तो मद्रासी हो ये अच्छा होगा He was a man with a great sense of humor. उन दुमाने में मेरी मूछें काफी ब्लैक सॉलिड थी. He once came to me and said, इस तरह की मूछें कैसे करते हो? How do you? ऐसे आपसे होगा नहीं. उनको तो आती थी ब्राउन कुछ माउस जैसे छोटी मोटी. इसके लिए तो इंडियन होना चाहिए नहीं तो नहीं हो. He laughed. See, he was a great man. उनको इस तरह से छोटे लोग भी हम कह सकते थे. यार बेहतर से कुछ सवाल ही नहीं पता. तो बहुत सही. Feynman के साथ कुछ जोक अराउंड. As long as the joke is funny enough, then जी बड़े बहुत सारे किस्से होंगे आपके पास फाइनमन सर के. उतने नहीं है क्योंकि मैं काफी ओवरलैप नहीं थी, लेकिन डायरेक्टली मेरे दो तीन बार एक्सपीरियंस उनके ऐसे हुए. जी जी. और उनकी स्टाइल ऑफ टीचिंग वगैरह मैंने अनकॉन्शियसली काफी अब्सॉर्ब किए होंगे बिकॉज आई रियली एडमायर हिम सो मच. तो सर आजादी से पहले का आपका जन्म है, 1939 का आपका जन्म है. आजादी आपने देखी है अपने सामने और उस समय के लोगों का जो है एंथुजियाज्म था वो आपने देखा है, और उस समय के लोग जो विज्ञान के बारे में सोचा करते थे कि विज्ञान जो है वो फ्यूचर होना चाहिए, चाहे मैं रामन की बात करूं, चाहे मैं साहा सर की बात करूं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन ही कर लिया कि भैया साइंस को अगर बचाना है तो हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा. तो इस तरह के लोग पहले थे जो साइंस को जो है बहुत आगे रखना चाहते थे. तो उस समय का आप भारत देख चुके हैं और आज जो है हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपके हिसाब से हम लोग क्या उनके विजन को हम लोग ट्रुथ में कन्वर्ट कर पाए हैं, क्या हम लोग विज्ञान को उतना आगे ला पाए हैं, और क्या कुछ चीजें जो है वो हम अचीव कर पाए हैं, और क्या कुछ है जो हम मिस आउट कर रहे हैं? काफी अचीव किया है. इसमें ये स्लाइटली पॉलिटिकली लोडेड चीज है, लेकिन मुझे उन जमाने में पंडित जी मेरे हीरो थे जी. और मेरे ख्याल में उन्होंने कई चीज़ों की सीड्स उस उन्होंने पौधे रखे थे तब. उन्हीं के रिजल्ट सारे IITs आए थे, ये वगैरह वगैरह आए थे, और उनकी बेटी इंदिरा जी ने भी किया था. बाय द टाइम वाजपेयी फॉर हुम आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें उग चुकी थी. मतलब वो भी सपोर्ट करते थे लेकिन ये सब पहले इस्टेब्लिश हो गई थी. तो पंडित जी की आवाज़ ने हमें वापस बुलाई इंडिया को. ये कई बार मैं नेहरू म्यूजियम में वगैरह में कहा हूँ कि मेरे चाइल्डहुड हीरो आइंस्टाइन वगैरह ने तो चाइल्डहुड हीरो पंडित जी थे ना. उनको जानता तो नहीं था, उनकी आवाज़ रेड फोर्ट से हमें बुलाया करती थी, सो टू स्पीक. उनकी अपनी वॉइस इतनी है, बोलने का तरीका वगैरह. और हम लोग हमारे हीरोज थे लोग, गांधी जी, पंडित जी, पटेल जी, ये सब मेरे हीरोज थे. मेरे कमरे में कमरा फोटो था उन तीनों का हमेशा वहाँ. तो उन लोगों की विजन से ये सब हुई है, और बाकी लोगों ने उसको ग्रो तो किया था. लेकिन उन जमाने में साइंस में पैसा नहीं था ज़्यादा, और साइंटिस्ट बनने में कहीं लेबोरेटरी में कोई वो बन जाते हो लेक्चरर बन के 350 रुपये मिलते थे. तो काफ़ी सैक्रिफाइस. आजकल ऐसा नहीं, आजकल तो पैसे बहुत पड़े हुए हैं. सब साइंटिस्ट लोग गाड़ी चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. तो आजकल लोगों को और इंटरनेशनल कांटेक्ट बहुत है, फॉरेन जाते हैं वापस आते हैं. तो आजकल साइंस करने के लिए किसी को इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है. उन जमाने में बहुत ज़रूरत थी बिकॉज वो खाली पागल लोग लाइक सी वी रामन साइंस करते थे. नॉर्मल पर्सन तो या तो IAS में जाकर सरकार में चले जाओ या किसी कंपनी में जाकर काम करो, एग्जीक्यूटिव बन जाओ, ये करो वो करो. दोज वेर द थिंग्स टू डू. आपका भी पहला चॉइस जो है वो IAS? हाँ, मेरा IAS. हम तो बचपन से हम लोग को वही बताया गया था कि जो भी इम्तहान लिखो उसमें फर्स्ट आ जाओ. तो सबसे बड़ी इम्तहान तो IAS थी. तो उसी के लिए तैयारी हो रही थी. फिर बीच में ये हो गया कि फिजिक्स में कैसे आया सर? नहीं, वो गलती से, मतलब गलती गलती से मैंने वो ऑफर, लोग कह रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेरी काइंड, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फिजिक्स करना चाहिए. मैंने कहा भाई मैं तो IAS कर रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ मत की बिलाए चले जाइए. वो बिलाए जाने की वो तो अट्रैक्शन तो इरेसिस्टिबल थी. ये पहले भी चीज़ें सर थी और आज भी मैं जब भी सुनता हूँ
अपने लिए जैसे मतलब मैं एडवाइस अगर लेना चाहूँ किसी से, तो हर कोई बोलता है कि अभी आप अगर पढ़ाई भारत से कर रहे हैं, पोस्ट डॉक करना है, पीएचडी करना है, विलायत जाइए। तो ये चीज अब तक हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए हैं कि अभी तक नहीं, अभी कई एरियाज में जरूरत नहीं है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, TIFR है, इस तरह के कई और भी जगह हैं जहाँ उतनी इक्वली गुड आपको सुपरविजन मिल सकती है जो विलायत में मिलती है, और काफ़ी अच्छी भी, उससे भी बेटर भी हो सकती है, क्योंकि आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटीज वहाँ, आजकल तो इंटरनेट आ गया है, वो सब चीज़ें बदल गए, उन जमाने में बात करने को लोग ही नहीं होते ना, हाई क्वालिटी लोगों से मिलने का चांस नहीं होता था। अगर आपके एडवाइज़र जितने भी अच्छे हों, तब भी वो मिली हुई नहीं थी ना, वो एटमोसफियर नहीं था, सेमिनार देने को लोग आते नहीं थे, बहुत मुश्किल से एक आएगा कोई। वहाँ तो हर एक हफ्ते 3-4 टॉप साइंटिस्ट आपके डिपार्टमेंट के थ्रू जाते होंगे, किसी ने 4 बजे को टॉक दिया, किसी ने परसों टॉक दिया, किसी नो, तो इतनी वहाँ एटमोसफियर होती है कि उसको यहाँ करना मुश्किल। इवन नाउ एक दो जगह में, जैसे TIFR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उस तरह एक दो जगह में, JNU में उतने लोग आते जाते नहीं है साइंस के, आते हैं बट नॉट विद दैट। तो अभी भी वहाँ की एटमॉस्फेयर बेटर होती है और वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं करते वहाँ, तो भाई रात को सोते नहीं है मेरे क्लासमेट्स वगैरह। हम तो दिल्ली से गए थे, हमें तो दादागिरी आती थी, स्टूडेंट काम करना नहीं आता था, वो लोग तो भी 17 घंटे 16 घंटे दिन में काम करते थे, मेरे क्लासमेट्स सीरियस पीपल, शादीशुदा थे, यू नो, उनकी बीवी बेचारी कहीं काम करके पैसा लाती थी, ये लोग स्टूडेंट्स थे, एंड इट वॉज वेरी, एवरी आवर वॉज सीरियस फॉर देम, सो बहुत ही सीरियस थे, और वहाँ जो ट्रेनिंग होती है बहुत मच मोर रिगरस। या हमारे अकलमंद प्रोफेसर तो हैं यहाँ, लेकिन उतना काम नहीं करा सकते, एटमोसफियर नहीं है ना ऐसा कि भाई आए हो तो आप PhD कर रहे हो तो आपसे समझ लो कि 15 घंटे 14 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, काम करते हैं लोग, लास्ट में थीसिस लिखने के टाइम पर थोड़ी इमरजेंसी हो जाती तो करते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं है, और प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं देते स्टूडेंट्स को उतना, वहाँ बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देते हैं, मुझे वहाँ पढ़ाने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोचना पड़ता है कि क्या दिया था इनको, किताब में दिए गए प्रॉब्लम्स नहीं देते, वो तो किताब में है, अपना इन्वेंट करना पड़ता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम ही अलग है, वो अभी तक यहाँ ज़्यादातर आई नहीं है जी। तो ये अभी भी करेक्ट है अगर विलायत, नॉट बिकॉज विलायत इज विलायत, क्योंकि उनकी हैबिट्स अब धीरे धीरे आने लगी, एक दो जगह में ऐसे ही हुई है, अभी भी TIFR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह में उतनी टीचिंग उतनी रिगरस नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ इतने साल था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, यहाँ आने के पहले वहीं 18 साल था मैं, तो वहाँ उतनी रिगरस ट्रेनिंग नहीं होती जो विलायत में होती है, बहुत काम करवाते हैं वहाँ जी। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो टॉपिक्स जो हैं वो हमेशा से ही आपके वो चाहत रही है, दोनों ही टॉपिक्स में चाहत रही है। आजकल जब कोई भी स्टूडेंट साइंस लेता है तो या तो फिजिक्स या तो मैथमेटिक्स, दो टॉपिक्स में जो है वो इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। केमिस्ट्री की तरफ जो भी लोग जाते हैं, जो भी बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, फिर वो एक अलग जोन उनका बन जाता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपस में कनेक्ट जो है वो काफी कुछ करते हैं। तो आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं, जो ज्यादा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं क्या उनके लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट है? नहीं, जो मैथमेटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, काफी अकलमंद लोग हैं, वो थोड़ा बहुत आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिजिक्स की चीजें कुछ चीजें सब सीख लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इट्स वन डायरेक्शनल थिंग। मैथमेटिक्स की जरूरत है, खासकर आप थियोरी करना चाहते हो या मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो, क्योंकि वो वर्ड्स में कहा नहीं जा सकता, मैंने क्वांटम थियोरी में कई चीजें उसको लफ्जों में नहीं कह सकते, खाली इक्वेशंस में दिखता है वो फर्क। सो हाँ, तो मैथमेटिक्स जरूर चाहिए, थोड़ी बहुत तो जरूर चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने वालों के लिए भी मैथमेटिक्स, उतनी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक्स में हम काम करते हैं, आजकल हम बड़ी बड़ी चीजों में, ब्रिजेस, रेल्स, कार्स, बिल्डिंग्स, उनमें नहीं रिसर्च होता आजकल, आजकल तो सब न्यूक्लियर, वो चीज़ें जो है वो डे टू डे चीज एक्सपीरियंस में नहीं है,
तो उनकी उनकी बिहेवियर ही अलग होती है, उस बिहेवियर को खाली मैथमेटिक्स के डिस्क्राइब कर सकते हो जी। बहुत जरूरी मैथमेटिक्स जी। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास आते हैं, तो आजकल जो है वो सवाल जो है वो बदले होंगे स्टूडेंट्स के, आपसे पहले कुछ सवाल होते होंगे, अब कुछ सवाल हैं, सवालों में कुछ बदलाव आया है स्टूडेंट्स के कुछ? ज्यादा नहीं, बेसिकली वही है कि वो यंग मैन है, पता नहीं क्या करना चाहिए, नेक्स्ट ये करना वो करना है, उस तरह के सवाल। कल भी कोई लड़के आए थे यहाँ कि मैं उतना टच में नहीं हूँ आजकल, क्योंकि क्लास रूम पढ़ा के काफ़ी साल हो गए हैं तो कांटेक्ट कम हो गया। आजकल के लड़कों की सोच मुझे उतनी अच्छी तरह पता नहीं, लेकिन कभी कभी आते हैं कभी भी, और उनके प्रॉब्लम्स मोर और लेस सेम थिंग। पहले ज़माने में बहुत होता कि बिलाई जाना कि नहीं जाना चाहिए, उस तरह के सवाल ज़्यादा पूछते थे, आजकल थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, क्या करना चाहिए, एक रिसर्च क्या होती है, जॉब मिलेगा, जॉब अपार्ट फ्रॉम दैट इवन हियर पीएचडी किस कैसे करते हैं, ये क्या चीज़ है रिसर्च, उनको पता नहीं ना, तो उस तरह के सवाल हमेशा तब भी थे अभी भी हैं। और कभी कभी पॉलिटिक्स हो जाती है, उस मतलब किस टीचर के साथ काम करूँ, तो मैं कहता हूँ ये नहीं कहूँगा मैं, ये नहीं चलेगा, वो तो आप अपने आप ही डिसाइड करो। तो कभी कभी उस तरह के क्वेश्चन के साथ आते हैं, बट बाय एंड लार्ज वही प्रॉब्लम्स है। नहीं, ये नई जिंदगी है ना, सडनली रिसर्च, पहले तो इम्तहान किताबें होते हैं उसको पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ लिया सीख लिया तो इम्तहान लिखो, रिसर्च अलग तरह की चीज़ है, तो वो ट्रांजिशन काफ़ी मुश्किल होता है, और उसमें हमेशा वही सवालें पैदा होती है 50 साल पहले भी अभी भी लड़कों के मन में। तो सर आपने एजुकेशन पॉलिसी पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, भारत को जो है वो गवर्नमेंट को भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपने समझाने की कोशिश तो करी, कोशिश तो करी होगी कि कोशिश बहुत की। तो सर एजुकेशन सिस्टम के बारे में अभी आपके क्या विचार हैं, जो एक पहले आज़ादी के समय पे एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था उससे काफ़ी बदलाव आए हैं, बट आज के टाइम पे काफ़ी लोगों का मानना है, अभी मैं कुछ समय पहले वर्मा सर से बात कर रहा था कि कौन से वर्मा भी HC वर्मा अच्छा HC वर्मा सर जो IIT कानपुर के हैं, तो वर्मा सर से बात कर रहा था अभी तो कुछ समय पहले, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने बात करी, पुरानी पॉलिसी के बारे में बात करी, और मतलब बात हमने कुछ इस तरह की करी कि पॉलिसीज तो हमारी बन जाती हैं बट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे वो फेल कर जाती है। इम्प्लीमेंटेशन है वो उसी तरह पहले जैसे ही ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो रही है, बीच में एजुकेशन कमीशन आते हैं, एक कोठारी कमीशन आया, ये कमीशन आया, वो कमीशन आया, और एक नॉलेज कमीशन भी आया था कुछ साल पहले, और अभी कस्तूरीरंगन का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये सब तो आते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में चीज़ें उतनी बदलती नहीं, ग्रेजुअली बदलती रहती है। लेकिन एक बड़ी फर्क आई आजकल 91 लिबरलाइजेशन के बाद, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लड़के कॉलेज आके इमीडिएटली वो क्लरिकल जॉब नहीं चाहते, पहले वही होता था कि बीए करो क्या करोगे, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, एमए करो, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती थी, बिकॉज वेराइटी ऑफ नौकरी वॉज वेरी स्मॉल, या तो सरकार में जाओ, और प्राइवेट इनिशिएटिव बहुत, फैमिलीज अपने लड़के को पैसा देके भी तुम अपनी दुकान शुरू करो, ऐसे तो नहीं कहते थे, आजकल बदल गई है। वेंचर कैपिटल तो बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटे लेवल में भी कई लोगों को पढ़ाया जाता है कि तुम अपना शुरू करो, किसी से नौकरी मत मानो, अपने कोने में जाके शुरू कर दो अपना दुकान उस तरह, और आजकल तुम थोड़ा अंग्रेजी इतना समझ, थोड़ी बहुत समझ लो, होटल में जाके बन जाओ, कुछ रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, तो कई तरह के नौकरियां ऐसे हैं जिसकी वजह से लड़कों को एमए तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पुराने जमाने में एजुकेशन सिस्टम वॉज कम्प्लीटली क्लॉग्ड, और जो लोगों को पढ़ाया जाता था उनसे उनको कुछ भी फायदा नहीं होता था, क्या पढ़ के क्या जो नौकरी मिलेगी उसमें, जो पढ़ते हो उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं थी। आजकल तुम बीच में छोड़ के जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए प्रेशर ऑन द एजुकेशन सिस्टम इज बिकम लेस। ये बात लोगों का अभी भी पेनेट्रेट नहीं हुआ है कि एजुकेशन की बड़ी अच्छी चीज़ है ये, कि फजूल में बैठ के डिग्री लिए बैठे टाइम वेस्ट करके फिर बैड हैबिट्स आ जाते हैं, ये आ जाते हो जाता है, वो सब कम हुआ है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी नहीं मिल रही किसी को मैं जानता हूँ, लेकिन वो पहले भी नहीं मिल रही थी, लेकिन जहाँ नौकरी नहीं है उस तरह के जगह ज़्यादा हो गए आजकल वहाँ, और बुरा नहीं माना जाता आजकल कि आप किसी की
हाथ से काम कर रहे हो या अपना कोई इंडस्ट्री शुरू करे, उन जमाने में वो होता था वो क्लार्क बन जाओ, करते जाओ, किताब रजिस्ट्री में लिखते जाओ, उसको हम अच्छा मानते थे, सरकारी नौकरी है, पेंशन मिलेगा, वो सब ख्याल बदल गई है धीरे धीरे से। सिक्योरिटी है वो तो है, बट उन जमाने में और कोई था ही नहीं ना, आजकल चॉइस बहुत है। सर इस पार्ट का एक आखिरी सवाल लूंगा मैं जो विज्ञान से थोड़ा सा जुड़ा होगा, इसके बाद हम छोटा सा एक पार्ट करें जो है वो छोटे से पार्ट की बात करेंगे जिसमें आपके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने एक बार बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का जो ऑफिस था वो 3 बिल्डिंग छोड़ के था, कभी कभी ऐसे गलती से मुलाकात हुई? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे से बहुत, जब मैं गया था वो ऑलरेडी ही पास्ड अवे, वो 1951 में उनकी डेथ हुई थी। हाँ तो उनको तो मैं 1957 में, सो 15 साल की गैप थी बिटवीन हिज पासिंग अवे एंड माय गोइंग टू दैट इंस्टीट्यूट। तो डायसन वगैरह थे लेकिन आइंस्टाइन कभी के चले गए थे, आइंस्टाइन, फॉन नायमन, ये सब बहुत ग्रेट लोग हैं, ये सब चले गए थे। सर जाने का मौका मिला कभी उनके ऑफिस में या उनके पढ़े हुए स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने? नहीं, उनके स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत कम लिए आइंस्टाइन ने, और अमेरिका में यही चीज है कि उनके ऑफिस में मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। हाँ। उसी ऑफिस में और के बैठते थे बस, और पूछना पड़ता था कौन से ऑफिस में थे वो। सो ये अगेन बहुत अच्छी चीज है वहाँ। हाँ। हमारे तो, हम तो एकदम मंदिर बना के उनको सेलिब्रेट, उनके ऑफिस को, हमारे डीएस कोठारी साहब के दफ्तर को आज तक किसी ने खोला नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब का ऑफिस है, डॉक्टर साहब का ऑफिस है वहाँ, तो अगले दिन खोल के। तो अच्छी बात भी बुरी बात भी है, और रिस्पेक्ट कम होता है लोगों के लिए। तो आइंस्टाइन के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं होती, वो इंस्टीट्यूट में जाओ उनकी स्टैचू कहीं कोने में है बस, उनके पास कई लोग आते हैं जाते हैं, आइंस्टाइन एक ही है उनमें, उनकी एटीट्यूड उस इंस्टीट्यूट में ऐसी है, उनमें बहुत ही ग्रेट लोग वहाँ जा चुके हैं। आइंस्टाइन का नाम पब्लिक ज़्यादा जानती है, लेकिन सम द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस वहाँ थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, हिस्टोरियंस, ग्रेट हिस्टोरियंस वहाँ थे, जॉर्ज कैनन हु इज अ ग्रेट डिप्लोमैट वो वहाँ थे, कई लोग वहाँ थे उस इंस्टीट्यूट में। आइंस्टाइन ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस ऑफ द ऑल, लेकिन वो खास उसमें बिल्डिंग विल्डिंग में कुछ ना साइन है ना प्लैक है ना कुछ। जी तो यहाँ पर जो है भाई हम लोगों का जो साइंस वाला सेक्शन है, जो पार्ट्स हम लोग करते हैं वो यहाँ पर जो है वो समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे सर के बारे में, बहुत छोटे रिएक्शन। तो अब सर आपके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे इस पार्ट में, जिसपे हम लोग थोड़ा सा एक जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक कैसे बने हैं, और क्या वैज्ञानिक सच में वैज्ञानिक हैं या वो आम इंसान है। तो अब तक के जो मेरे इंटरव्यूज हैं उसमें तो मैं ये जान ही चुका हूँ कि भाई आम इंसान है, बस विज्ञान पढ़ते हैं, वो करेक्ट बात है, विज्ञान पढ़ते हैं और करते हैं, विज्ञान करते हैं। जी जी जी। तो सर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने अभी बात ही की थी इसके बारे में, मैं इसी करने वाला था। फिर तो स्कूलिंग जो थी वो किस तरह से? स्कूलिंग ही दिल्ली में हुई, दिल्ली में, मद्रासी स्कूल यहाँ थी, मिडिल क्लास। एक चीज हमारे कम है, मैं 2 साल तमिल स्कूल में पढ़ा हूँ। कहाँ? यहाँ डी टी डीटीए में, वही तो पढ़ा था। अच्छा, आप भी वहीं पढ़े? डीटीए एक जमाने में वो एक ही ब्रांच होती थी मंदिर में। अच्छा, तो वही वो वही पढ़ा था। आप तो मेरे सुबह भी नहीं रहोगे। एक ही ब्रांच थी मंदिर में, 5-6 कौन से ब्रांच? तो पूसा रोड में, मैं पूसा रोड में था जी, तो वहीं से पढ़ा था, वहीं से स्कूलिंग खत्म करके फिर कॉलेज। जी, तो आपने वहाँ तमिल भी अच्छी सीखी होगी। हाँ, स्कूल की वजह से, कई लोग दिल्ली में तमिलियन से, उनको तमिल आता नहीं है, मतलब लिखना नहीं आता, बोलते नहीं आता, हमको वैसे नहीं, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया, बड़ी अच्छी बात हुई, तब से लिखना पढ़ना जानता हूँ मैं। मेरे कई दिल्ली में तमिलियन फ्रेंड्स है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, बोलते तो हैं तमिल की। स्कूल में मिडिल क्लास स्कूल थी, वो अच्छी बात थी। और तो और क्या रुचियां हैं आपकी, क्या कुछ? म्यूजिक क्लासिकल, म्यूजिक चल रहा था। हाँ, तो म्यूजिक क्लासिकल हर एक तरह के, पहले तो
इंडियन फिल्म म्यूजिक से शुरू हुई, हमेशा ऐसी होती है, और नौशत के गाने शुरू हुए और उसमें से ग्रेजुअली क्लासिकल म्यूजिक की तरफ गए, क्योंकि मुझे नेचुरली म्यूजिक में इंटरेस्ट था, वो पता चला। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और साउथ इंडियन क्लासिकल, अपनी रिच ट्रेडिशन है नॉर्थ इंडियन बुक में, दोनों में मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन नेचुरल सुनने में अच्छा अच्छा तो नहीं बनती वो तो पता चलता था। हाँ, तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन राग का नाम वगैरह कभी पढ़ाया नहीं है, नहीं सीखा भी नहीं। अब राग बदलता तो ये भी साउथ में कभी कभी ऐसा होता है, राग बदलते एक ही बार तो इमीडिएटली पता होना चाहिए बदल गया है, कुछ तरह का बदलना अलाउड है साउथ कर्नाटक। सो उस तरह के उसके बाद जब मैं विलय किया तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को मैंने डिस्कवर किया, उसको पता नहीं था ये क्या है, और वो कंप्लीटली अलग था कि म्यूजिक ग्रेट म्यूजिक। अब ये बेटे की बात करें, ये मेरे सचिन बेटो है, गुरु तो नहीं है तो म्यूजिशियन नहीं है, बट इनकी बहुत आदत आती है। बेटो नाम सुना, बी टी एच ओ बी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड वेस्टर्न क्लासिकल। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही रिगरस केयरफुल म्यूजिक है, उन लोगों को पता नहीं था इंडिया में रिगरस क्लासिकल म्यूजिक होती है। आजकल तो रविशंकर के जाने की वजह से स्प्रेड हो गए, बीटल्स आए या दोहा यूनियन म्यूजिक, तो हमको पता चलता है इंडिया में काफी सीरियस म्यूजिक था, पता नहीं था उसको, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेटेड है, काफी रेगुलर रूल्स है, आपने तो कंडक्टर कंडक्ट करता है, 100 लोग ऑर्केस्ट्रा में है, तो एक आदमी उनको कंट्रोल करता है, सचमुच ही कंट्रोल करता है, और मैंने वहाँ भाग भी लिया है कोरस वोरस में, तो मैं कंडक्ट भी कर पा, लोगों ने किया है, मुझे पता चलता हुआ एक हाथ से मुझे बताता था कि ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम है, एक ही आदमी पीछे, वो बहुत ही रेगुलर म्यूजिक। और ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक है ना हमारी, तो एक आदमी या तो मेन सिंगर या मेन इंस्ट्रूमेंटिस्ट है, उसके साथ एक दो अकॉम्पनी होता है और एक दो अकॉम्पनी शेयर होती है, वहां तो पूरी ऑर्केस्ट्रा है, तो इतने लोगों को इतनी उसमें कई स्ट्रैंड्स होते हैं, एक कुछ बता रहा है, एक और कुछ बता रहा है साइमल्टेनियसली, और वो सब फिट होना चाहिए Year, तो काफी हमारी म्यूजिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफरेंट, डांस इज डिफरेंट, सो हमारे में साइमल्टेनियस साउंड्स नहीं होते। आपने कुछ सा गाए तो आपकी तपुरा भी सा कहेगी, आपके वायलिनिस्ट भी सा करेगा, वहां आप जब सा करेंगे वो और कुछ करेगा, और वो फिट होनी चाहिए और गलती है, कई वॉइसेस होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं फिर बनता, सो काफी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट शुरू हुआ था, कि कोर्सेस भी लिए मैंने और टैलेंट तो नहीं था कुछ, सीखा काफी कुछ, तो ऐसा कोई वाद्य यंत्र आपने बजाया हो? टैलेंट नहीं, कोशिश हाथ की सफाई नहीं थी जी जी जी, कोशिश पियानो मैंने कोशिश की नहीं जमाने, लेकिन सारे ऑल दो तीन जो सिंपली सब कुछ आता हूँ अंदर चली गई, लेकिन मेरे से कुछ कोई बात नहीं सर, आपने विज्ञान में इतना कुछ किया ठीक, बट मेरी काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है सबसे उसके सेट, उसके बाद तो नेक्स्ट क्रिकेट। ये एक चीज कॉमन चल रही है, अभी कुछ पिछले कुछ इंटरव्यू से मैंने आर शंकर सर से बात करी आईएमएससी चेन्नई, तो क्रिकेट में आज तक जितने भी चीजें हुई हैं आज भी देख रहे हैं, अभी टीवीआर सर से बात करी लास्ट टाइम, जो क्रिकेट की नॉलेज मतलब उन्होंने शेयर करी मेरे साथ, खेलते भी थे और उसके बाद पुराने टाइम में कपिल देव से लेकर अब शुभमन गिल तक की बातें हो रही थी, पूरी एकदम मतलब कहानी हो रहा है। फिर हमारी बचपन से दिल्ली में थे ना, वहां मैचेस होते थे, क्रिकेट की कई कहानी आपको सुनाता था, इससे उन जमाने की वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, मैं बुरी तरह से मारा 1956 मैंने कभी
मतलब स्टेडियम में जाके क्रिकेट मैच नहीं देखे। आपके टेलीविजन इतनी अच्छी है देख सकते हैं। हाँ उन जमाने में अगर मैच में जो कॉमेंट्री होती थी लेकिन वो उतना मजा नहीं था, वो भी कम होती थी पहले पहले जब शुरू में कॉमेंट्री नहीं होती की कमेंट्री भी ठीक ही होती है अगर लोगों पे डिपेंड करता है तो वो तो दीज आर माय इंटरेस्ट। और लिटरेचर में हाँ लिटरेचर का आप बता रहे थे और अभी आपने बताया था कि डायसन सर के साथ जब बात होती थी तो लिटरेचर में और आप अपने दोस्तों के साथ जो प्लेज वगैरह जो है वो प्ले रीडिंग थी और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर अमेरिकन राइटर्स बहुत ही टैलेंटेड काफी हैं तो उनकी किताबें काफी पढ़ते हैं यहाँ घर में है तो उसमें भी इंटरेस्ट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और दूसरी बार हम लोग ये एंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरी बार भी सर हमारे साथ बने हुए तो थैंक यू वेरी मच हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। होपफुली मैं अगले साल की बात कर रहा था, मैं अगले साल जरूर आऊंगा दोबारा इंटरव्यू करूंगा नमस्कार।